छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित यानी कि अपेक्स बैंक के तरफ से कुछ रिक्तियां आई हैं। इन रिक्तियों पर भर्ती की जानी है और भर्ती का काम सौंपा गया है व्यापम को। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। आपको इस बात की सूचना मिल ही गई होगी कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इससे पहले यह नोटिफिकेशन कल और परसों के डेट पे जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उसमें आ चुके थे। वो विज्ञापन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विज्ञापन पहले ही आपने अखबारों में देख लिया होगा और इस विज्ञापन के माध्यम से आपको ये जानकारी ज़रूर मिल गई होगी कि ये सीधी भर्ती का विज्ञापन है और इसमें लगभग 400 पद हैं, 398 पोस्ट हैं कुल सीधी भर्ती के लिए। सहायक प्रबंधक, जिसे फील्ड ऑफिसर का नाम दिया गया है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक, चार अलग अलग कैटेगरी हैं। ये चार अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये पोस्ट जो हैं वो रिक्रूटमेंट में लाए गए हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग उनकी नंबर्स हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है 4 तारीख की डेट पर, और इस पर जो डिटेल है वो व्यापम की वेबसाइट पर आज आ गया है। तो पहले इस विज्ञापन की चर्चा कर लें जो समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की तरफ से। इसमें सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का 5 पद है, रायगढ़, सारंगढ़ और जसपुर में। रायपुर में 10 पद है। जिला सहकारी बैंक वार पद की अगर संख्या देखें तो रायपुर में 10 पद है, अंबिकापुर में 8 पद है। कुल सीधी भर्ती के लिए 23 पद हैं और इसमें लेवल 7 का मैट्रिक्स यानी कि L7 का मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। दूसरा कार्यालय सहायक का पद है जो अपेक्स बैंक में 17 हैं और बाकी जिला सहकारी बैंक में इसके कोई पद नहीं है, केवल यही 17 पद इसमें रिक्त बताए गए हैं। सामान्य सहायक का जो पद है वो 8 बताया गया है अपेक्स बैंक रायगढ़, सारंगढ़ और जसपुर में, और 12 जो है वो जिला सहकारी बैंक दुर्ग में, राजनांदगांव में 32, बिलासपुर में 4, अंबिकापुर में 27 और जगदलपुर में 15। तो कुल मिलाकर के 98 पोस्ट हैं इसके। समिति प्रबंधक का 17 पद जो है अपेक्स बैंक में है और बाकी 60 पद रायपुर के जिला सहकारी बैंक में, 40 पद दुर्ग में, 37 पद राजनांदगांव में, 40 पद बिलासपुर में और 23 पद अंबिकापुर के साथ साथ 43 पद जगदलपुर में। सबसे ज़्यादा संख्या इसी की दिख रही है, 260 के आसपास। कुल मिलाकर के सबका टोटल अगर मैं निकालूँ तो ये बनता है 398। तो ये पदों की संख्या से संबंधित विज्ञापन था जो समाचार पत्रों में कल ही प्रकाशित हो चुका है। अब आगे चर्चा करते हैं व्यापम के नोटिफिकेशन की। व्यापम जो है वो 6 तारीख की डेट पे इसी को नोटिफिकेशन इशू कर रहा है और वो लिखता है कि ये पत्र का उन्होंने पूरा रेफरेंस दिया है और उसके बाद उन्होंने पदों के नाम बताए कि सहायक प्रबंधक, ये सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ सब प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ये डेजिग्नेशन अलग अलग जो हैं वो सारा कुछ इन्होंने इस पे मेंशन किया है। इसके परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसमें ऑनलाइन आवेदन आपको 6 तारीख से यानी कि आज से भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि जो होगी वो 23 तारीख तक की होगी, 23 सितंबर तक आप भर पाएंगे इसको। त्रुटि सुधार के लिए 24, 25, 26 तीन दिन खुला रहेगा और संभावित परीक्षा की तिथि जो है वो 15 अक्टूबर है। एक महीने के भीतर भीतर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये परीक्षा का काम पूरा कर लेंगे। और जो परीक्षा का समय होगा वो सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, इन सब के लिए पूर्वान्न का है और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ उप प्रबंधक, ये सब के लिए अपराह्न का है। 31 जिला मुख्यालय हैं, वहाँ सब जगह इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा में आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना है। पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जा करके समझ सकते हैं। 7 पेज का एक विस्तृत विज्ञापन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की तरफ से। वो विज्ञापन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उस विज्ञापन में आदेश क्रमांक और बैंक का नाम लिखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या पद जो है रिक्त होने हैं और उसमें क्या क्या पे मैट्रिक्स होगा ये भी इन्होंने मेंशन किया। आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक के रिक्त 17 पद बताया गया है और इन 17 पदों में L6 का ग्रेड दे रहे हैं। इसके बाद की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के क्षेत्रीय नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर में, तो 5 पद यहाँ और 8 पद यहाँ पर कुल मिलाकर के 15 पद बताया गया है।
जगदलपुर में, 12 पद यहाँ दुर्ग में। तो इस तरह से पदों की संख्या का एक पूरा डिटेल इसमें और दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको पदों के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाए। भर्ती की पात्रता और शर्तों के बारे में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, शैक्षणिक योग्यता की चर्चा कर लें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्यालय सहायक के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA, ये भी ध्यान रखें, इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है PGDCA मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए, DCA से काम नहीं चलने वाला। सामान्य सहायक में भी बिल्कुल यही क्वालिफिकेशन मांगा है, सहायक प्रबंधक में भी यही क्वालिफिकेशन मांगा है, और समिति प्रबंधक के लिए स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA परसेंटेज का कंडीशन यहाँ से हटा लिया गया है। तो ये चार पद हैं, चारों पद के अलग अलग क्वालिफिकेशन में कॉलम में अलग अलग लिखा गया है, लेकिन अंतर केवल लास्ट के समिति प्रबंधक वाले कॉलम में आपको मिलेगा। ये पे मैट्रिक्स भी दिया है, कार्यालय सहायक का L6 है, सामान्य सहायक का L5 है, सामान्य सहायक प्रबंधक का L7 है और समिति प्रबंधक का L4 है। आयु सीमा, जो शासन की आयु सीमा के बारे में छूट मिलती है वो सारा छूट मिलेगा, इस बात का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। परीक्षा की प्रकृति के बारे में बात करें, क्योंकि लिखित परीक्षा लेने का काम व्यापम का होगा, पहला जो भाग होगा वो विषय का होगा जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ की भाषा का ज्ञान, ये दो चीज़ें होंगी पहले सेक्शन में। दूसरा जो सेक्शन होगा वो एक तरह बैंकिंग से रिलेटेड होगा, उसका पहला पार्ट सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंध में होगा। फिर सामान्य ज्ञान होगा, गणितीय तार्किक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर। तो कुल मिलाकर के एक सामान्य सा पाठ्यक्रम है जो आप आमतौर पर व्यापम के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आप हमारे चैनल पर जब छत्तीसगढ़ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें करीब 20-25 वीडियोस हैं, उससे भी ज़्यादा हैं संभवतः 50 के आसपास का वीडियो होगा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरह की जानकारियों से जुड़ा हुआ वीडियो मिल जाएगा। सीधी भर्ती के चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% या उससे अधिक उत्तीर्ण होना जरूरी है। ध्यान रखें इस बात का, आपको छत्तीसगढ़ी में सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान का जो पहला सेक्शन है उसमें 50% मार्क्स लाना होगा। लिखित परीक्षा भाग एक में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और प्राप्तांक जो है वो सूची बनाई जाएगी तो कुल अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, लेकिन अगर आप 50% नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ये बात इसमें लिखी गई है। और कोई महत्वपूर्ण बात तो मुझे नज़र नहीं आ रही है अभी तक, बाकी आप व्यापम की वेबसाइट देखते रहे, इस बात का निर्देश इन्होंने भी दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको ये जो जानकारी थी वो स्पष्ट हो गई होगी, इसमें हमने आपको मूल बातों को बताने का प्रयास किया है। सिलेबस वाला पार्ट है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बातें हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस पार्ट डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ के वाला जो पार्ट है, जो सेक्शन 1 है, उसे पहले क्वालिफाई करने के बारे में सोचें, किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।